यस बेटे, तो जो ये वीडियो है ये एल्कोहल फिनॉल ईथर के रीजनिंग क्वेश्चंस के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप देख रहे हो, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो बॉन्ड एंगल है एल्कोहल का वो लेस देन होता है टेट्राहेड्रल एंगल से। तो देखो टेट्राहेड्रल जो होता है वो मिथेन उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बॉन्ड एंगल उसका इतना है। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो वाटर के अंदर और एल्कोहल के अंदर ये बॉन्ड एंगल कम होता है। आपने 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, तो जिसमें लोन पेयर होते हैं ना बेटा उसमें बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता है। दिस यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, तो एल्कोहल का जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा किससे? रेगुलर टेट्राहेड्रल से, क्योंकि उसमें होते हैं दो लोन पेयर्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो वो है कि जो बॉन्ड लेंथ है सीओ की फिनॉल में वो कम होती है मेथनॉल से। तो ये सेम क्वेश्चन हेलोल के हेलोरीन्स में भी होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से, ये डबल बॉन्ड जो है हमेशा छोटा होता है, आपने याद रखना है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिंगल बॉन्ड। तो मेथनॉल का जो सीओ बॉन्ड है वो लंबा होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि जो आर ओ आर बॉन्ड एंगल होता है ईथर के अंदर वो बड़ा होता है एल्कोहल से, क्योंकि देखो एल्कोहल क्या होता है सिंपली आर ओ एच, लेकिन ईथर क्या होता है आर ओ आर। आर ओ आर में होता है यहाँ पर काफी ज्यादा रिपल्शन। तो आंसर है ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन टू बल्कि आर ग्रुप। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। फिर ये क्वेश्चन आ गया, टू कन्वर्ट एसिड इंटू एल्कोहल एल आई एल एच इज नॉट यूज। ठीक है, जैसे ओइक एसिड से अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो वो एल आई एल एच फोर लेना यूज मतलब जैसे एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है एक्सपेंसिव। तो अच्छा रूट ये होता है कि पहले आप ओइक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करो, फिर एस्टर से आप एच टू प्लेटिनम डाल के एल्कोहल बनाओ। फिर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्केन से या ईथर से या किसी अल्काइल हैलाइड से, एराइल हैलाइड से, क्योंकि अल्कोहल क्या बनाते हैं इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड्स। एक बार दोबारा समझ लो, क्वेश्चन नंबर 22 में बताया है कि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है अल्कोहल के जो दो लोन पेयर्स हैं ये वाले। फिर अगले क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ वाला है, बॉन्ड लेंथ जहाँ पर भी बेंजीन हो वहाँ कम होती है क्योंकि वहाँ रेजोनेंस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो वो है ईथर का बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा होता है अल्कोहल से, क्योंकि ईथर के अंदर होता है दो आर ग्रुप्स होते हैं इथर के अंदर। फिर आ गया एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसी भी एल्केन ईथर वगैरह से, क्योंकि वो दिखाता है एच बॉन्डिंग। ये बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है आप याद रखना कि ब्रांचिंग जिसमें भी होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कम। तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का कम है, टर्शरी का उससे भी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि एल्कोहल्स आर हाईली मिसिबल इन वाटर। तो आंसर है कि एल्कोहल्स जो है वो वाटर के साथ क्या बना लेते हैं, एच बॉन्डिंग बना सकते हैं आराम से। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स दे रखे हैं। और एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स के बारे में ये है कि आर ग्रुप जो होता है उसका प्लस का इफेक्ट होता है, तो प्राइमरी एल्कोहल सबसे अच्छा एसिड है, टर्शरी सबसे बेकार है, क्योंकि टर्शरी के अंदर तीन आर है और आर ग्रुप जो है ना वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटाता है, एच प्लस के रिलीज को मुश्किल बनाता है। अल्कोहल इज वीकर एसिड देन वाटर, क्योंकि अल्कोहल में वही अगेन आर ग्रुप आ जाता है, आर ओ माइनस मतलब जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वो कम स्टेबल है ओ एच माइनस से। फिनॉल अच्छा एसिड है क्योंकि जो एच प्लस छोड़ने के बाद फिनोक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। फिर वैसे ही नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है और मिथाइल फिनॉल में मिथाइल है जो कि डोनेटिंग ग्रुप है। एक बार दोबारा से देख लो, हमने यहाँ से शुरू करना है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जब भी क्वेश्चन आएगा अल्कोहल एच बॉन्डिंग बनाता है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि उसे ब्रांचिंग नहीं है, अल्कोहल वाटर में डिजोल्व हो जाएगा क्योंकि वाटर को बनाता है वाटर के साथ एच बॉन्डिंग, अल्कोहल वीकर एसिड होता है वाटर से क्योंकि उसका जो आर ओ माइनस है इज लेस स्टेबल देन ओ एच माइनस है, फिनोक्साइड फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है फिनोक्साइड आयन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और उसके बाद क्वेश्चन है कि एस्टेरिफिकेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, लिखा है ना, देखो एब्जॉर्ब्स द वाटर प्रोड्यूस्ड, जैसे ये जो वाटर है ना ये वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड में चलाएगा। फिर ऐसे ये वाला क्वेश्चन है बेटे कि अगर आपने अल्कोहल से एस्टर बनाना है यूजिंग COCl तो पीरिडीन चाहिए, क्योंकि पीरिडीन जो है ना वो इस HCl को कर देगा न्यूट्रलाइज, जैसे मैंने देखो यहाँ पर करके भी दिखाया हुआ है। टर्शरी अल्कोहल को सबसे इजीली डिहाइड्रेट करते हैं, देखो मैंने पूरा समझाया हुआ है कि टर्शरी को सबसे आसानी से होता है क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन होता है मोस्ट स्टेबल। फिर OH ग्रुप इन बेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, OH ग्रुप बेंजीन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ड्यू टू इट्स प्लस आर इफेक्ट। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो गया ये प्लस आर इफेक्ट क्यों दिखाता है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों है, तो आपने आंसर देना है कि इसका क्या है प्लस आर इफेक्ट। और उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल बट पैरा नाइट्रोफिनॉल इज नॉट,
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर होती है वीक इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, बट इन पैरा नाइट्रोफिनॉल देर इज स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और फिनॉल एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है, लेकिन नॉन पोलर मीडियम में वो सिर्फ एक ही जगह पे Br आता है। तो इसका आंसर है कि फिनॉल जो है वो मतलब जैसे देखो बेसिकली ये पूछना यहाँ पर ये चाह रहे थे कि जैसे देखो यहाँ पर ये हमारे पास फिनॉल है, देखो ये हमारे पास अगर फिनॉल है तो फिनॉल में अगर हम ऐड कर देंगे ब्रोमीन एक्वस मीडियम में करेंगे ना तो तीनों जगह पर ही Br आ गया। लेकिन अगर हम यही चीज करेंगे एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेके तो सिर्फ एक ही जगह पर Br आएगा। तो आंसर उसका ये है कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो आयनाइजेशन को हेल्प नहीं कर रहा, वो आयनाइजेशन को फेवर नहीं करता ब्रोमीन। जैसे ब्रोमीन अगर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ यूजिंग CS2 तो उस केस में सिर्फ जो है वो जो Br आएगा वो सिर्फ एक जगह पर ही आएगा। तो ये था इसका मतलब। और 41st क्वेश्चन है ईथर्स आर पोलर, तो ईथर की शेप बेंट होती है, उसकी डेवलपमेंट कटती नहीं है, मतलब जैसे ईथर वैसे तो हम ऐसे लिख रहे हैं ना आर ओ आर, लेकिन होती तो शेप ऐसी है ना, तो इसमें डेवलपमेंट कैंसिल नहीं होती इसलिए वो पोलर। ईथर वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि ईथर बना सकते हैं क्या एच बॉन्ड्स विद वाटर। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन के लिए वेट करना नेक्स्ट वीडियो का, टिल डू शेयर शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट। ये थे हमारे पास जो अल्कोहल के बेस्ट क्वेश्चंस थे, रीजनिंग माइंड आई थिंक रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू किया था और उसके बाद हम गए हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप देखो ये है 41, ऑलमोस्ट ऑल मैंने समझाया, शॉर्ट में फटाफट समझा दिए और बहुत अच्छे से समझा दिए। तो आई होप यू लाइक लाइक द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।